हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा ये चैनल ग्रो करे और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सके। और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो ना पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है 15 मिलियन मैरिड्स, क्योंकि ये भी हमारे पिछले वीडियो की तरह एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है, तो इसमें भी हमें एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कई सारे छुपे हुए मैसेज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बिंगम मैटसन है और जिसे हम बिंग बुलाते हैं, और ये एक छोटे से कमरे या केबिन में सोया होता है। और तभी मॉर्निंग अलार्म बजता है और इस केबिन के चारों तरफ एलईडी स्क्रीन वॉल थी जिसपे मॉर्निंग में विजुअल चलने लगते हैं। एलईडी स्क्रीन वॉल पर गांव दिखाई देता है, मुर्गा दिखाई देता है और केबिन में मुर्गे की बोलने की आवाजें भी आती है। बिंग की नींद खुलती है और वो वॉल पर चल रहे सारे विजुअल को हाथ से इशारा करके हटाता है। ये पूरी स्क्रीन हाथों के सेंसर पर काम कर रही थी और ये हाथों के इशारों को समझती थी। अब सुबह के 7:30 बज चुके थे। अब बिंग बाथरूम में था और वो उसके बाथरूम के शीशे में भी ऑप्शन सिलेक्ट करता है। बिंग एक पॉइंट के नीचे अपना टूथब्रश रखकर हाथों से इशारा करता है और उतना ही पेस्ट उसके ब्रश पर आता है। जब पेस्ट बाहर आता है तो शीशे पर दिखाई दे रहे बिंग के पॉइंट ऑटोमेटिकली कम होने लगते है, यानी ये पॉइंट बिंग के पॉइंट थे और यदि उसे कुछ लेना होता है तो ये पॉइंट देकर उसे खरीदारी करनी पड़ती है, जिस प्रकार से मशीन द्वारा टूथपेस्ट लेने पर उसे अपने पॉइंट देने पड़े थे। अब बिंग लिफ्ट में था और उसके साथ और लोग भी थे और सभी ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे और इन सभी के चेहरे को देखकर लग रहा था कि ये सभी बहुत उदास है। बिंग एक जगह पर जाता है और ये जगह दिखने में जिम की तरह थी और जहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज साइकिल और इस साइकिल पर कई लोग पेडल मार रहे थे। इन सभी ने भी वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे बिंग ने पहन रखे थे। साइकिल पर पेडल मारते हुए ये सभी लोग अपने सामने वाली स्क्रीन पर अपना मन चाहा प्रोग्राम सिलेक्ट करके देख रहे थे। बिंग भी उन्हीं में से एक साइकिल पर जाता है और वो भी उस साइकिल पर बैठकर पेडल मारने लगता है, और उसके पॉइंट जो सामने वाली स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे वो 1,50,00,000 से बढ़ते चले जा रहे थे, यानी जितनी देर ये लोग पेडल मार रहे थे इन सभी के पॉइंट बढ़ रहे थे। यहीं पर बिंग के पास एक आदमी भी साइकिल पर पेडल मार रहा था जिसका नाम हेमंत था, और हेमंत भी अपनी स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहा था। इस प्रोग्राम में मोटे लोगों पर पानी डालकर उन पर गंदगी फेंककर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, जिसे देखकर हेमंत बहुत जोर जोर से हंस रहा था। साइकिल पर पेडल मारने के बाद बिंग कैंटीन में जाता है और यहाँ पर वो अपने लिए एक ड्रिंक और फ्रूट मशीन से खरीदता है, पर बिंग ने कोल्ड ड्रिंक और एप्पल लिया था जिसके लिए उसके पॉइंट भी कट गए थे, पर एप्पल मशीन से बाहर नहीं आया था। वहीं कैंटीन में बैठी शिफ्ट ये सब देख रही थी और शिफ्ट बिंग के पास जाकर बोलती है, इस मशीन को अटकने की आदत है, और शिफ्ट मशीन के अंदर हाथ डालकर एप्पल निकालकर बिंग को देती है और बोलती है, बस यही चीज है जो यहाँ पर नेचुरल है और इसे भी बंद कमरे में उगाया जाता है। बिंग वो एप्पल लेता है और वो शिफ्ट को थैंक यू बोलता है और वो वहीं पर बैठकर एप्पल खाने लगता है। शिफ्ट चाहती थी कि बिंग उससे बात करे, पर बिंग को शिफ्ट से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बिंग ना किसी से बात करता था और ना ही वो किसी के सामने हंसता था। उसका चेहरा हमेशा उदासी भरा होता था। इस जिम में कुछ पीले कपड़े वाले लोग जिम की सफाई भी कर रहे थे। पेडल मारने वाले लोग जिम में जो भी कचरा कर रहे थे, जो भी गंदगी कर रहे थे, वो लोग उसे साफ कर रहे थे। हेमंत उन मोटे सफाई करने वाले लोगों का मजाक उड़ाता है, उन पर गुस्सा करता है, उन्हें गालियां देता है, पर सफाई करने वाले लोग उसे कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। वहां जिम में एक आदमी पेडल मारते हुए खांसने लगा था, वो हांफने लगा था और वो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। हेमंत उस आदमी पर हंसते हुए बोलता है, अब इस ढक्कन को भी पीली ड्रेस मिलने वाली है। आगे बिंग अपने केबिन में था और वो स्क्रीन पर गेम खेल रहा था। ये गन शूटिंग गेम था जिसमें बिंग गन से पीली ड्रेस वाले लोगों को मार रहा था। तो ये वैसे ही कार्टून कैरेक्टर थे जैसे जिम में सफाई का काम किया करते थे, यानी मोटे लोग, और उनके कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही थे। तभी स्क्रीन पर एक हॉट शॉट नाम के रियलिटी शो का एड चलने लगता है। तो ये हॉट शॉट नाम के रियलिटी शो का एड था जिसमें एक सलमा नाम की लड़की जो उसी जिम में साइकिल पर पेडल लगाया करती थी,
वो गाना गाकर अब बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है और उसी की जिंदगी के ऊपर ये एड था। इस रियलिटी शो में कोई भी टैलेंटेड लड़का या लड़की अपना टैलेंट दिखाकर जीत सकता था। बिंग उस एड को स्क्रीन से हटाने की कोशिश करता है, पर स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है। इस एड को हटाने पर या स्किप करने पर पॉइंट की पेनल्टी लगेगी। बिंग अपने पॉइंट देखता है और वो इस एड को स्किप कर देता है और अब बिंग के पॉइंट कम हो जाते हैं। बिंग वापस गेम खेलने के लिए तैयार होता है, तभी वापस स्क्रीन पर एक और एड चलने लगता है। यह एक पोर्न शो का एड था और बिंग उस एड को देखकर परेशान होता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो केबिन के चारों तरफ स्क्रीन रेड हो जाती है और उस पर रिज्यूम विविंग का मैसेज चलने लगता है। यानी ये मैसेज था बिंग के लिए जो उस वीडियो को या उस एड को देखने के लिए बोल रहा था। बिंग अपनी आंखें खोलता है और स्क्रीन पर फिर से वीडियो एड चलने लगता है। इस एड पर भी एक मैसेज आता है कि अगर आप वीडियो हटाते हैं तो आपको 10,000 पॉइंट देना होंगे। बिंग फिर से अपना स्कोर देखता है और वो एड को स्किप कर देता है और स्क्रीन पर बिंग के 10,000 पॉइंट कट जाते हैं। तो ये थी बिंग और उसके साथ रहने वाले लोगों की रोजाना की दिनचर्या, जिसमें लोग दिन भर साइकिल में पेडल मारकर पॉइंट कमाते हैं और फिर उन पॉइंट को खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए या स्क्रीन पर कुछ देखने के लिए या वर्चुअल प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जैसे अपने कैरेक्टर के लिए कपड़े खरीदना या उसके लिए जूते खरीदना, या फिर आपको जबरन कोई एड ना देखना हो तो उसको हटाने के लिए खर्च कर देते थे। अगले दिन बिंग वापस लिफ्ट में जा रहा था, तभी लिफ्ट में एक लड़की आती है। बिंग उस लड़की को देख रहा था। बिंग कभी ऐसा करता नहीं है। बिंग जिम में जाता है तो वहां पर एक साइकिल खाली थी। बिंग उस साइकिल को देखता है और यह वही साइकिल थी जिसे चलाने वाला आदमी पिछले दिन खांस रहा था। वो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। अब उसे उस साइकिल से हटा दिया गया था। वहीं शिप बिंग को देखकर बोलती है उसे एंट्री नहीं करने दी गई और हेमंत बिंग को देखकर बोलता है उसकी छुट्टी हो गई, आलसी था साला, अब कचरा उठाएगा। बिंग अपनी साइकिल पर आकर पेडल मारने लगता है और वहीं पेडल मार रहा एक लड़का अपने कार्टून कैरेक्टर के लिए हेड खरीद रहा था, जिसके लिए वो पॉइंट चुकाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पेडल मारने वाले लोग सभी वर्चुअल चीजों के लिए भी पॉइंट चुकाते थे। वो प्रोग्राम देखने के लिए भी पॉइंट चुकाते थे, वो सॉन्ग सुनने के लिए भी पॉइंट चुकाते थे और इस प्रकार से हर वर्चुअल चीज के लिए वो पॉइंट चुकाते थे। हेमंत के पीछे कचरा साफ करने वाला आदमी आता है और हेमंत उसे देखकर बोलता है हो गई प्रमोशन, चल साले अब कचरा उठा। तो यह आदमी वही था जो एक दिन पहले उस खाली साइकिल पर पेडल मारा करता था, तो वो पेडल नहीं मार पा रहा था इसलिए उसे कचरा उठाने का काम दे दिया गया था। आगे बिंग टॉयलेट में था और तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो गाना गा रही थी। बिंग को उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। वो लड़की टॉयलेट से बाहर निकलती है और यह वही लड़की थी जिसे बिंग ने लिफ्ट में देखा था। बिंग हाथ सुखाते हुए उस लड़की को देख रहा था और वो लड़की भी ये देख लेती है। उस लड़की का नाम अभी खान था। बिंग वापस जिम में आकर पेडल मार रहा था, तभी वहां रखी खाली साइकिल पर अभी भी आकर पेडल मारने लगती है। बिंग जिम में भी अभी को पलट पलट कर देख रहा था और अभी भी उसे देख लेती है और वो देख कर हंसने लगती है। आगे अभी कैंटीन में थी और वो मशीन से एप्पल खरीदती है, पर मशीन से बाहर एप्पल नहीं आता और उसके पॉइंट कट जाते हैं। बिंग वहां आ जाता है और वो एबी को एप्पल निकाल कर देता है और बोलता है मेरा नाम बिंगम मैटसन है, शॉर्ट में तुम मुझे बिंग बुला सकती हो। एबी बोलती है मेरा नाम एबी खान है और मैं पिछले हफ्ते ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। एबी उस फ्रूट को खाती है और बोलती है ये तो असली फ्रूट है। बिंग बोलता है हाँ यहाँ बस ये एक ही चीज नेचुरल है और उसे भी बंद कमरे में उगाया जाता है। एबी बोलती है हाँ बिल्कुल। बिंग बोलता है तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम सचमुच बहुत अच्छा गाती हो, तुमने कभी हॉट शॉट के बारे में नहीं सोचा? एबी बोलती है एक तो ये मेरे बस का नहीं है और दूसरी बात मेरे पास इतने मेरिट भी नहीं है, एंट्री के लिए 120 लाख पॉइंट चाहिए होते हैं, उसके लिए 6 महीनों तक पेडल मारना होगा और मेरे पास बस खाने लायक पॉइंट होते हैं। बिंग बोलता है मैं तुम्हें अपने पॉइंट गिफ्ट कर दूंगा, पूरे 120 लाख। एबी बोलती है मुझे पागल मत बनाओ। बिंग बोलता है सच में मुझे मेरे भाई से मिले है, वो अब मर गया है तो उसके पॉइंट मुझे मिल गए। एबी बोलती है तो तुम अपनी जरूरत पर खर्च क्यों नहीं करते? बिंग बोलता है कहाँ खर्च करूं, अपने कार्टून के लिए शू खरीदूं या उसके लिए कपड़े खरीदूं या वर्चुअल दोस्त खरीदूं जो असल में है ही नहीं, ये सब झूठ है, ये सब असली नहीं है, झूठा दिखावा है, पर तुम्हारी आवाज में सच्चाई है और उस पर खर्च करना बनता है, प्लीज मान जाओ, ये सब लोग झूठी जिंदगी जी रहे है पर मैं कुछ असली करना चाहता हूँ। एबी बोलती है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो?
बिंग बोलता है, होती है तो होने दो, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम डर कर वापस ना आ जाओ। एबी हंसती है और वो बिंग की इस बात को मान जाती है। जिस जगह पर एबी और बिंग बात कर रहे थे उस जगह को देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे जिम हैं जहाँ पर हजारों लोग पेडल मारते हैं और उनकी जिंदगी पेडल मारकर ही कट रही थी। अब बिंग अपने केबिन में था और वो कॉम्पिटिशन में जाने के लिए गोल्डन टिकट परचेस करने लगता है, पर गोल्डन टिकट की कीमत 1,50,00,000 हो गई थी जो पहले 1,20,00,000 थी। फिर भी बिंग उस टिकट को खरीद लेता है और बिंग के पास अब 9,407 पॉइंट ही बचे थे। बिंग वो टिकट एबी को भेज देता है और एबी के पास वो टिकट चला गया था, जिसे देखकर एबी बहुत खुश होती है और एबी बिंग को फ्लाइंग किस भेजती है। अगले दिन बिंग और एबी दोनों हॉट स्टार कॉम्पिटिशन के लिए जाते हैं और यहाँ पर वो लोग भी थे जिन्होंने गोल्डन टिकट खरीदा था और वो सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एबी और बिंग भी इंतजार करने लगते हैं। वहीं एक आदमी था, उसे ऊपर से आदेश मिलने पर वो कंटेस्टेंट को भेजता था। उसे आदेश मिलता है एबी को बुलाने के लिए। वो आदमी एबी को चलने के लिए बोलता है और वहीं पर एक लेडी थी, वो भी इंतजार कर रही थी। वो उस आदमी से बोलती है, ये गलत है, ये अभी अभी आई है, ये नहीं जा सकती, मुझे यहाँ वेट करते हुए 1 हफ्ता हो गया है। वो आदमी बोलता है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर है। एबी और बिंग उस आदमी के साथ जाने लगे थे और स्टेज पे जाने से पहले एक लेडी एबी को एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए देती है, पर एबी उस ड्रिंक को पीने से मना कर देती है। तो वो लेडी बोलती है, यह आपको पीना ही पड़ेगा क्योंकि सारे परफॉर्मर पीते हैं, क्योंकि घबराहट के कारण उल्टी नहीं होती। एबी उस ड्रिंक को थोड़ा सा पीती है और उसे नशा चढ़ने लगता है। बिंग बोलता है, तुम ठीक तो हो? एबी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर चकरा रहा है, वो ठीक हो जाएगा। आगे एबी स्टेज पर जाती है और उनके सामने 3 जज बैठे थे और उनके पीछे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर थे जो तालियां बजा रहे थे। ये सारे कार्टून कैरेक्टर उन्हीं लोगों के थे जो पेडल मारने का काम किया करते थे। पेडल मारने वाले सब लोग अपने अपने केबिन में ये शो देख रहे थे और वो जैसा व्यवहार कर रहे थे वैसा ही व्यवहार उनका कार्टून कैरेक्टर कर रहा था। वो तालियां बजा रहे थे तो उनका कार्टून कैरेक्टर भी तालियां बजा रहा था। वो चिल्ला रहे थे तो उनका कार्टून कैरेक्टर भी चिल्ला रहा था क्राउड में। एबी घबरा रही थी और वहीं बैठा जज होप बोलता है, बताओ तुम क्या दिखाने आई हो? एबी बोलती है, मैं गाना गाऊंगी। जज एबी को गाना गाने के लिए बोलते हैं और एबी गाना गाने लगती है। तो दोस्तों ये सॉन्ग जो एबी गाती है ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप यूट्यूब पर जाकर ब्लैक मिरर सॉन्ग सर्च करके इसे सुन सकते हैं। जज भी इस सॉन्ग को ध्यान से सुनने लगे थे और पेडल मारने वाले हजारों लोग भी इस सॉन्ग को फील करने लगे थे, वो रोने लगे थे। ये सुंदर सॉन्ग को बिंग भी स्टेज के पीछे खड़ा होकर सुन रहा था और वो एबी को देख रहा था। गाना खत्म होता है और वहीं बैठे जज होप बोलते हैं, तुम्हारा गाना बेशक इस सीजन का सबसे सुंदर गाना है। और ऐसा सुनते ही सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। जज होप बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ और भी बोलना चाहता हूँ। देखो तुम्हारी आवाज अच्छी है लेकिन सबसे अच्छी आवाज तुम्हारी नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी तुम्हारा गाना नहीं सुन रहा था क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती हमारा ध्यान किसी चीज पर जाने ही नहीं देती, इसलिए मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए रेत का चैनल ठीक रहेगा। वहीं बैठा जज रेत बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं तो इसे देखते ही समझ गया था ये मेरे चैनल के लिए बनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जज रेत भी था जिसका पोर्न टीवी का चैनल था जिस पर पोर्न दिखाई जाती थी और जज होप एबी को उसमें जाने के लिए बोल रहे थे, यानी पोर्न इंडस्ट्री में जाने के लिए बोल रहे थे। बिंग एबी को मना करने जाता है तो स्टेज के पीछे वाले बाउंसर बिंग को पकड़कर ले जाते हैं। बिंग बोल रहा था, उनकी बात मत मानना, ऐसा मत करना। जज होप फिर बोलते हैं, पिछले साल यहाँ पर सिंगर ही सिंगर आए थे, अगर तुम्हें सिंगर बनना है तो यहाँ पर तुमसे भी अच्छे सिंगर है, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। वहीं बैठा जज रेत बोलता है, तुम्हें जिंदगी में 1 मिनट भी पेडल नहीं मारना होगा, तुम्हें पेडल मारना है या तुम्हें आराम करना है। एबी ना बोलती है तो जज होप फिर बोलते हैं, तुम इस जगह की बेइज्जती कर रही हो, शायद तुम जिंदगी भर पेडल मारते मारते साइकिल पर ही मर जाओगी। एबी बोलती है, मैं साइकिल पर नहीं मरना चाहती, और एबी हाँ बोल देती है। जो ड्रिंक एबी ने पी थी उसमें नशा था जिससे एबी की सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई थी। अब बिंग अकेला पड़ गया था और उसने अपने सारे पॉइंट भी एबी के लिए दे दिए थे। अब वो पहले की तरह गुमसुम जिंदगी जीने लगा था और उसके पास 839 पॉइंट ही बचे थे।
बिंग केबिन में गेम खेल रहा था तभी उसकी स्क्रीन पर पोर्न एड चलने लगता है। बिंग उस एड को हटाता है तो वो एड नहीं हटता क्योंकि बिंग के पास पेनल्टी के लिए पॉइंट नहीं बचे थे। बिंग को जबरदस्ती वो एड देखना पड़ता है तो उस एड में एबी भी आती है। वो एड एबी के ही पोर्न शो के ऊपर बना था। एबी को पोर्न शो में देखकर बिंग से रहा नहीं जाता और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी स्क्रीन पर रिज्यूम व्यूइंग का मैसेज शो होने लगता है और केबिन में एक भद्दा सा साउंड बजने लगता है जिसे सुन पाना मुश्किल होता है। बिंग उस एड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बाहर जाने की कोशिश करता है पर बाहर जाने का गेट भी नहीं खुल रहा था। बिंग गुस्सा होकर स्क्रीन पर अपने हाथ मारने लगता है, अपना सर मारने लगता है और वो रोने लगता है। तो स्क्रीन का कांच टूट जाता है और बिंग उस कांच को लेकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है। अगले दिन बिंग जिम में सबसे पहले पहुंच जाता है और वो पेडल मारने लगता है और उसके पॉइंट बढ़ने लगते हैं। बिंग के केबिन में पोर्न का एड चलता है तब भी बिंग उस एड को नहीं हटाता। बिंग अपने ब्रश में कम टूथपेस्ट लेता है ताकि उसे ज्यादा पॉइंट ना देना पड़े। बिंग अपने पॉइंट से खाना भी नहीं खरीदता। जब कोई टेबल छोड़कर जाता है तो बिंग उनका झूठा खाना उठाकर खाने लगता है। तो इस प्रकार से बिंग लगातार अपने पॉइंट बचा रहा था और वो केबिन में डांस करने की कोशिश भी करता है। बिंग लगातार मेहनत कर रहा था, पेडल मार रहा था और लगातार उसके पॉइंट बढ़ा रहा था और इस तरह से एक दिन बिंग के पॉइंट 1,50,00,000 तक पहुंच गए थे। बिंग उस पॉइंट से वापस वो गोल्डन टिकट खरीदता है और बिंग अपने साथ वो कूटा हुआ कांच रख लेता है। बिंग हॉटशॉट कॉम्पिटिशन में पहुंच जाता है और वो अपनी बारी का वेट करने लगता है। बिंग को उस आदमी द्वारा बुलाया जाता है और बिंग स्टेज पर जाने लगता है और स्टेज के पीछे वही लेडी बिंग को वो एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए देती है। बिंग उस लेडी को एनर्जी ड्रिंक का खाली रेपर दिखाकर बोलता है, मुझे ये बाहर वालों ने पिला दिया था। तो पिछली बार जब बिंग एबी के साथ आया था तो उसने वो एनर्जी ड्रिंक का रेपर अपने पास रख लिया था। बिंग स्टेज पर जाता है और जजों से बोलता है, मैं यहाँ पर डांस दिखाने आया हूँ। जज बिंग को डांस शुरू करने के लिए बोलते हैं और बिंग डांस करने लगता है। बिंग स्टेज पर डांस करने लगता है क्योंकि बिंग को डांस नहीं आता था इसलिए वो अपने हाथ पांव जबरदस्ती हिला रहा था और अपने साथ लाया कांच बिंग अपने गले पर रख देता है और वो आत्महत्या करने की धमकी देता है। बिंग बोलता है, अगर मुझे बोलने नहीं दिया गया तो मैं इस कांच से अपना गला काट दूंगा। जज चैरिटी बोलती है, इसे बोलने दो। और जज होप बोलते है, बोलो। बोलते क्यों नहीं, क्या तुम याद कर आए थे वो भूल गए? बिंग बोलता है, मैं कुछ याद नहीं कर आया था। मैं जो बोलूं वो सुनना, बस सुनने की एक्टिंग मत करना। हम तुम्हें खुश करने के लिए नाचते हैं, गाते हैं और तुम साले हो हमको इंसान भी नहीं समझते। तुम्हारे लिए हम लोग बस एक खिलौना है जो कि नकली है और इस नकली दुनिया में सब कुछ नकली है। किसी मोटे से पोल डांस करवाओ और सब लोग साले जंगली की तरह उस पर हंसने लगते हैं। वो बेचारा मोटा है तो उससे कचरा उठवाएंगे और हम बस उस पर हंसेंगे। इस नकली दुनिया ने हमारी फीलिंग्स भी नकली बना दी है और हमें बस यही आता है, बस नकली खाओ और मर जाओ। एक दूसरे से ज्यादा हम लोग मशीनों से बात करते हैं। जानते हो मेरा सपना क्या है? अपने कार्टून के लिए हेड खरीदना, जो हेड असली में है ही नहीं। वो बस हमको स्क्रीन पर दिखाई देती है और हम उसे ही खरीदते हैं। हमारे तो सपने भी नकली है। तुम कुछ असली चीज दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते, क्योंकि कुछ असली है ही नहीं। दिन रात हमें पेडल मारकर मिलता क्या है? नकली स्क्रीन पर नकली कार्टून। और ऐसा बोलकर बिंग जजों को बुरी और भद्दी गालियां बकने लगा था। और आगे बिंग बोलता है, पूरी जिंदगी में मुझे एक ही असली चीज मिली थी और तुम लोगों ने उसे भी कुचल दिया। सेक्स के लिए पागल कुत्तों के सामने हड्डी बनाकर उसे डाल दिया। तुम सब साले सड़ सड़ के मरोगे, ये मेरी बद्दुआ है और मेरे जैसे लाखों लोगों की ये बद्दुआ है। बिंग चुप हो जाता है और सब लोग शांत हो जाते हैं। सब लोग बिंग की बातों के बारे में सोचने लगते हैं। जज होप सोचता है और बोलता है, तूने जो स्पीच आज यहाँ पर सुनाई है, ऐसी फाड़ू स्पीच आज तक कोई नहीं दे पाया। तू हॉट शॉट का स्टार है। और वहां पर क्राउड में बैठे सारे कार्टून तालियां बजाने लगते हैं। होप बोलता है, तेरी ये सच्चाई मुझे अच्छी लगी। ना सिर्फ तेरी सच्चाई, ये यहाँ बैठे हर आदमी की सच्चाई है। असली और सच्ची चीजें दुनिया में बहुत कम हैं और हमको तेरी ये सच्चाई सुननी है। मैं अपने चैनल पर एक शो दूंगा जहां तू ऐसी ही सच्ची बातें करेगा। तीनों जज बिंग की तारीफ करते हैं और सारा क्राउड तालियां बजाने लगता है। वो बिंग को हाँ कहने के लिए बोलता है और वो क्राउड बोलो हाँ के नारे लगा रहा था।
कहानी के अगले सीन में हमें वापस उसी जिम का सीन बताया जाता है और वहां पर सभी लोग पेडल मार रहे थे और वहीं पर एक आदमी स्क्रीन पर बिंग का वीडियो देख रहा था और बिंग वैसी ही बातें कर रहा था जैसी उसने स्टेज पर की थी। बिंग अब एक बड़े घर में था और वो वहीं से प्रोग्राम को रिकॉर्ड करता था। बिंग घर के कांच के शीशे के पास आकर जूस पीने लगता है और उसके सामने एक बड़ा सा जंगल था, पर बिंग के चेहरे को देखकर लग रहा था वो यहाँ भी खुश नहीं था, उसके चेहरे पर यहाँ भी उदासी छलक रही थी। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब इस कहानी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में सभी लोग जो रोजाना पेडल मारते हैं और जो एक ही जैसे ग्रे कलर के कपड़े पहनते हैं, ये दर्शाता है हमारी नौकरियों को, हमारी जॉब्स को, जहां हम जाकर रोजाना एक ही जैसा काम करते हैं, जैसे सभी लोग रोजाना जाकर पेडल मार रहे थे। हम पैसा कमाने के लिए करते हैं और वो लोग पॉइंट कमाने के लिए कर रहे थे। इस कहानी में वर्चुअल प्रोडक्ट की खरीदारी भी दिखाई गई है, यानी कार्टून की हेड खरीदना, उसके लिए कपड़े खरीदना जिसे हम छू नहीं सकते और ना ही उसका उपयोग कर सकते हैं, वो बस हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। यहाँ पर मैसेज दिया गया है हमारे फिजूल खर्चों को लेकर, हम बेमतलब की चीजों पर पैसा खर्च करते हैं, यानी जिसकी हमें जरूरत नहीं हम वो चीजें भी खरीदते हैं। जैसे हमारा काम 15 से 20 हजार के मोबाइल में भी हो सकता है, पर हम में से कई लोग 60 से 70 हजार का मोबाइल या 1 लाख तक का मोबाइल भी खरीद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। हम 60-70 हजार रुपए की बाइक लेकर अपना काम कर सकते हैं, पर हम 1 से 2 लाख रुपए की बाइक लेते हैं जिसको हम कम ही चलाते हैं। वो बाइक हमारे घर में सिर्फ खड़ी रहती है, पर जिनके पास 70-80 हजार रुपए की बाइक होती है वो उस बाइक को दिन रात चलाते रहते हैं। पर महंगी बाइक हम कम ही चलाते हैं, वो बस दूर के टूर के लिए काम आती है। पर शहरों के ट्रैफिक में अधिकतर आपको सस्ती गाड़ियां ही चलती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार महंगी चीजों में हम सेविंग खत्म कर देते हैं और उस चीज का उपयोग भी नहीं कर पाते। जिस प्रकार से कार्टून कैरेक्टर के लिए खरीदे गए कपड़े और उसके लिए खरीदी गई हैट का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। इस कहानी में मोटे लोगों को पीले कपड़े पहने हुए दिखाया गया है, पीला कलर जो कि हंसी को दर्शाता है, खुशी को दर्शाता है। और इस प्रकार से इस कहानी में मोटे लोगों को हंसी का पात्र दिखाया गया है। जिस प्रकार से हम मोटे लोगों का और नाटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उसी प्रकार से इस कहानी में पेडल मारने वाले लोग मोटे लोगों पर बने गेम खेलते हैं। हेमंत मोटे लोगों पर पानी फेंकने वाला और गंदगी फेंकने वाला वीडियो देखता रहता है। इस कहानी में एड ना देखने पर या स्किप करने पर पेनल्टी देनी होती है। यहाँ पर हमारी टीवी इंडस्ट्री की सच्चाई को दिखाया गया है। हमें जबरदस्ती हमारे टीवी पर एड देखना पड़ते हैं, हम नहीं देखना चाहते हैं फिर भी। 30 मिनट के शो में हम 8 मिनट के एड देखते हैं, जबकि हम केबल के पैसे देते हैं। और दोस्तों लास्ट में हमारा हीरो बिंग सफलता पाकर इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो इन सब चीजों का विरोध करता था और वो इसके लिए सिस्टम से लड़ने भी गया था, पर वो उसी सिस्टम का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। तो दोस्तों ये थी वेब सीरीज ब्लैक मिरर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 की कहानी 15 मिलियन मैरिट्स। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।